अमित कुमार दुबे, आपके लिए एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दांतों की प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि हर छोटे बड़े इंसान को, हर उम्र के इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या तो फिर 60 के अबव हो, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सबको ही इस प्रकार की दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और इसका सोलूशन हम बिना एक पैसा खर्च किए या फिर बहुत ही कम खर्च में सोलूशन कर लेंगे, जिससे कि हमें दांतों की प्रॉब्लम आगे भविष्य में नहीं होगी, जिससे कि हमारा जो डेंटल का कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा बहुत ही कम जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आपके नए नए वीडियोस डेंटल से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो वीडियोस देखिए और अवेयर होइए और कुछ नई नई जानकारियाँ सीखिए। तो नमस्कार, शुरू करते हैं डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड। इस वीडियो में आपको 5 तरीके से बताऊँगा कि जैसे कि आपको आपके मसूड़े और दांत स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर वन, ब्रशिंग आप अच्छे से कीजिए, मतलब ट्वाइस अ डे ब्रशिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, लेकिन सुबह उठ के ब्रश करने से ज़्यादा इफेक्टिव आपका जो ब्रश होता है, जो रात में खाना खाने के बाद करने वाला ब्रश है सोने से पहले, वो ब्रश बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसको अपने आदत में डालिए कि वो ब्रशिंग करिए, और बहुत ही ज़्यादा आपके दांत उससे स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब ट्वाइस अ डे आपको ब्रशिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, और ब्रशिंग करने का मतलब कि अच्छे तरीके से ब्रश करना। आगे वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश करने का सही तरीका और अच्छा तरीका कैसे होता है, क्योंकि जो हम ब्रश करते हैं, रगड़ते हैं, उससे हमारे दांतों का सिर्फ 22% हिस्सा ही साफ होता है। तो बाकी हिस्सा साफ करने के लिए भी धीरे धीरे करके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि नंबर वन पे आप अच्छे से ब्रशिंग करेंगे, नंबर टू पे डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए। डेंटल फ्लॉस क्या होता है कि हमारे हर दांत एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, हर दांत अलग अलग रहता है, तो उसके बीच में कुछ खाना फंस जाता है, जिससे कि डेंटल फ्लॉस से हम वो खाने को रिमूव करेंगे और बहुत ही आराम से उसके बीच में अगर कोई खाना नहीं फंसेगा तो कोई कैविटी नहीं होगी, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की डेंटल पेन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा आता है कि ब्रशिंग करने के बाद, डेंटल फ्लॉस करना यूज़ करने के बाद, आप गुनगुने पानी से सेनाना में डाल के रोज दिन में एक बार, कम से कम एक बार कुल्ला जरूर कीजिए, जिससे कि आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई किसी भी प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम छूने तक आपके पास नहीं आएगी। और नंबर चार में आपका आता है कि आप मसूड़ों का मसाज कीजिए, मतलब कि जब भी आप ब्रश कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से दांतों की सफाई कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद पानी से कुल्ला करते ही हैं, लेकिन अपने फिंगर से मसूड़ों को हल्के हल्के हाथों से मसाज करना जरूर ना भूलें, क्योंकि मसूड़ों की जब मसाज आप करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आपको होता है। और हो सकता है कि मसाज करते समय आप थोड़ा सा हल्दी, नमक और तेल का मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, उस पेस्ट को मसूड़े पे हल्का हल्का करके मसाज करेंगे तो और ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नंबर पाँच में यह है कि आप एक साल में दो बार, मतलब कि हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जाके ओरल चेकअप करवाएं, और ओरल चेकअप के साथ ही डेंटिस्ट से अपनी मुंह की स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग का मतलब कि हम कितना भी डेंटल फ्लॉस यूज़ कर लें, कितनी माउथ वॉश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जिसमें कि आपका फूड डेब्रिस, खाना फंसा रहता है, और जो प्लाक और कैलकुलस का रूप धारण कर लेता है, तो इनको रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये रिमूव रहेंगे तो आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, आपका दांत स्वस्थ रहेगा, और आपको किसी भी प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये रहा वो 5 प्रकार जिससे कि हम दांतों की सफाई रख के अपने डेंटल प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। नमस्कार।